नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ये वीडियो है डोमेन के बारे में। एक्चुअली में डोमेन कहाँ से, क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे होना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम एक आपका ऑनलाइन एड्रेस है। एक इंटरनेट पर जब कोई यूज़र आपको सर्च करता है तो वो आपके डोमेन से सर्च करता है और उस डोमेन से ही वो आपको पहचान पाता है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप कि डोमेन नेम जरूरी क्यों है। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, अब आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे जाना होगा। अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन में मूव करना होगा। ऑफलाइन भी चलाइए बट ऑनलाइन भी साथ में चलाइए, क्योंकि आपको पता है इस पैंडेमिक के बाद अब जो यूजर्स हैं, अब जो कस्टमर्स हैं, वो ऑनलाइन परचेज करना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। ऑनलाइन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अपने बिजनेस को ग्रो करने पे, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए इंस्टेंटली आपको ऑनलाइन जाना ही होगा। बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं सोशल मीडिया पे। वेबसाइट बहुत ही ज़रूरी है अपने बिजनेस को एक अलग पहचान देने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहला जो हमारा जो स्टेप है वेबसाइट बनाने का, वो है डोमेन नेम। हमें सबसे पहले डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया डोमेन नेम क्या है, ये डोमेन नेम कहाँ से मिलता है। डोमेन नेम जो प्रोवाइडर है वो है आइकन, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ नेम्स एंड नंबर्स। आप डायरेक्ट आइकन के थ्रू डोमेन नेम नहीं बाय कर सकते, आप जो अप्रूव्ड रजिस्टर्ड हैं उनके थ्रू बाय कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, गो डैडी, होस्ट गेटर, बिग रॉक, ठीक है। दीज आर द रजिस्टर जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, जो कि इन सब के रीसेलर्स हैं। अब डोमेन नेम बाय करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले तो ये कोशिश कीजिए कि आप डोमेन नेम खुद बुक कीजिए, किसी IT कंपनी के थ्रू ना बुक कीजिए। बहुत ही ईजीली आप इसको बुक कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर जाकर डोमेन की। डोमेन नेम मैक्सिमम आप 63 करेक्टर तक ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका डोमेन नेम 9 और 10 करेक्टर का ही हो। डोमेन नेम बाय करते समय आपने एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान देना है कि आपको अपने नेम, आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी, अपने पर्सनल फोन नंबर और जो आपका एड्रेस है उसी के थ्रू आपको डोमेन बाय करना है। अदरवाइज क्या होता है, आईटी कंपनीज, आप गए किसी के पास वेबसाइट बनवाने तो आईटी कंपनीज अपने नेम से डोमेन बुक कर लेती हैं, और कल को जब आप एक आईटी कंपनी से दूसरी आईटी कंपनी के पास जाते हैं तो आपको डोमेन ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है। इसीलिए कोशिश कीजिए जितने भी बिग रजिस्ट्रार हैं, बड़े रजिस्ट्रार्स हैं, जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू है, आप उन्हीं से डोमेन बाय कीजिए और खुद बाय कीजिए। सर्वर, SSL, जो बाकी चीज़ें हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वो आप कहीं से भी बाय कीजिए, वो इतना मैटर नहीं करता। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डोमेन नेम, क्योंकि आपका ये बिजनेस नेम है, आपकी एंटिटी है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि डोमेन नेम आप खुद बाय कीजिए। अदरवाइज अगर कोई IT कंपनी के थ्रू बाय करना है तो आप अपने खुद की जो आपकी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आप शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन नेम के अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। डोमेन नेम के अंदर आप अल्फाबेटिक यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, हाइफन यूज कर सकते हैं। डोमेन नेम के अंदर आप कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं यूज कर सकते। जैसे मेरा डोमेन नेम yogeshkhanna.com, तो yogesh-khanna.com भी ले सकता हूँ, -khanna.in भी ले सकता हूँ, बट yogesh@khanna.com नहीं ले सकता। यानी कि @?? एंड दीज काइंड ऑफ साइंस आप यूज नहीं कर सकते, स्पेशल करेक्टर्स आप डोमेन नेम में यूज नहीं कर सकते। डोमेन नेम आप देखते हैं तो डोमेन नेम के सामने जो एक्सटेंशन होता है .com, .in, .net, बहुत सारे आपने एक्सटेंशन देखे होंगे, इनको बोलते हैं TLDs, टॉप लेवल डोमेन। दीज TLDs को हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एक्सटेंशन के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत बेसिक एक्सटेंशन है, जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। .com, that is, इसका जो मीनिंग है कॉमर्स। .in,
इंडिया वाले यूज कर लेते हैं, .au ऑस्ट्रेलिया वाले यूज करते हैं, .co .uk यूके वाले यूज करते हैं, .org ऑर्गेनाइजेशंस वाले यूज करते हैं, .gov ये अमेरिकन गवर्नमेंट का एक्सटेंशन है। ये नहीं है कि सिर्फ वो ही यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं उनको अगर आपका डोमेन नेम उसमें अवेलेबल है, बट बेसिकली बना जो चीज जिसके लिए है वो यूज करें तो ज्यादा बेटर है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि पहले क्या होता था कि सपोज आपने कोई डोमेन बुक करा है abcd.in, या आपने अपनी कंपनी का नेम जैसे yogeshkhanna.in मैंने बुक किया, तो क्या होता था कि कोई आईटी कंपनी के पास आपका डोमेन नेम है और वो आपको ये डोमेन नहीं दे रहा, तो जो .in का रजिस्ट्रार है इंडिया में आप वहां पर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं, वो आपके आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, अगर आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे जिससे उनको प्रूफ हो जाएगा कि रियली में डोमेन आपने बुक किया है, अगर आपने जब डोमेन खरीदा था तो आपके पास उसका एक इनवॉइस होगा, तो आप अपने डोमेन को वापस ले सकते हैं, तो बिल्कुल इतने कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। तो ये तो था, मैंने आपको डोमेन्स के बारे में एक बेसिक बातें बता दी है। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पॉइंट्स लिख दिए कि आपको डोमेन में किन किन चीजों का ध्यान देना है, क्या क्या चीजें होती हैं डोमेन में। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट डोमेन, सेकंड सर्वर यानी कि होस्टिंग, थर्ड SSL, ठीक है, ये तीनों चीजें आपको बाय करनी होती हैं, एंड फोर्थ फिर आपको वेबसाइट बनवानी होती है। और अगर आप कोई ई कॉमर्स पोर्टल बना रहे हैं तो उसमें आपको चाहिए होती है दो और एक्स्ट्रा चीजें, फर्स्ट वन इज पेमेंट गेटवे एंड सेकेंड वन इज शिपिंग कंपनी, जिस शिपिंग कंपनी के साथ आप टाई अप करेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अभी मैंने आपको इस वीडियो में डोमेन के बारे में बताया, डोमेन से रिलेटेड आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या आप ये भी सजेशन लेना चाहते हैं कि मैं डोमेन कहाँ से खरीदूं, किस कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया है, या किस कंपनी पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उन सबके आंसर दूंगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स दिए हुए हैं जहां जहां से आप डोमेन बुक कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, सिक्योर्ड हैं, जहां से आप अपनी कंपनी का नेम बाय कर सकते हैं। और जब भी आप डोमेन बुक कर लेंगे, एक चीज और ध्यान देना, बाद में आप हुईस पे चेक कीजिएगा कि ये जो डोमेन आपने बुक कराई आपके नाम से है या नहीं है, और आपके पास इसका ईमेल आया है कि नहीं, कंफर्मेशन ईमेल। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में मेंशन की हुई है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि किसी तरह के डोमेन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ लेना। मैं एक बार फाइनली रिपीट कर रहा हूं, डोमेन नेम कोशिश कीजिए 8 से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, 63 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आप लेकर सकते हैं डोमेन में, बट 10 कैरेक्टर आई रिकमेंड ऑलवेज। जितना छोटा डोमेन होगा उतना इजी होगा समझने के लिए, सामने वाले के लिए बताने के लिए इजी होगा, ठीक है, और गूगल भी उसको प्रायोरिटी देता है सर्च इंजन भी। सेकेंड वन थिंग इज कि डोमेन में तीन चीजें यूज होती हैं, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक एंड हाइफन, कोशिश कीजिए आपको न्यूमेरिक और हाइफन का यूज ना करना पड़े। थर्ड वन थिंग इज डोमेन आप बिग रॉक, ब्लू होस्ट, गो डैडी, होस्ट गेटर्स, नेमकीप, आप इन वेबसाइट से डोमेन बुक कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप डोमेन बुक करें तो आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आ जाना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको डोमेन के बारे में बता दी है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ होस्टिंग क्या है, कहाँ से बाय करने चाहिए, होस्टिंग कितने तरह की है, कौन सी होस्टिंग किस वेबसाइट के लिए बेटर है, आप मेरी ये नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक भी जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो लॉन्च होगी मैं इसका लिंक भी इस डोमेन वाली वीडियो में दे दूंगा, और होस्टिंग वाली वीडियो में मैं डोमेन वाले का लिंक दे दूंगा ताकि आप दोनों को इजीली देख सकें। बहुत जरूरी है इन चीजों को समझने के लिए, बिकॉज क्योंकि आप नए हो सकते हैं, आप पहली बार वेबसाइट बनवा रहे हैं, तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो, कोई आपको गलत गाइड ना करे, कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको दे, या आपको फ्यूचर में आपको अपने डोमेन नेम को लेने के लिए आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि डोमेन नेम आप जो है 1 ईयर के लिए बुक कर सकते हैं, और आप डोमेन को मैक्सिमम एक बारी में आप 10 ईयर्स तक के लिए बुक कर सकते हैं, जिसकी ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग जो है वो 500 से 1100 के बीच आती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। चलिए मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में होस्टिंग के बारे में, उसमें जानेंगे कि होस्टिंग क्या है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।